नमस्कार सारे भारत के देशवासियों, मेरा नाम कैप्टन जोया अग्रवाल है और मैं बोइंग 777 पे हमारे ध्वजवाहक एयर इंडिया के साथ कमांडर हूँ। पायलट बनने का सपना मेरा तब का है जब एक छोटी सी 8 साल की जोया हुआ करती थी और वो छत पर बैठ के सपने बुना करती थी सितारों को देख के। वो तुर्जा तू ना डरना कभी, ना घबरना कभी। 2004 में मेरा भगवान की दया से एयर इंडिया में हो गया एडमिशन और मैं उस समय वन ऑफ द यंगेस्ट थी टू गेट इनटू एयर इंडिया। 2013 में मैं बोइंग 777 की बहुत छोटी उम्र की कप्तान बनी और आज 2021 में मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ भारतीय सरकार की, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की, हमारी सारी एयर इंडिया मैनेजमेंट की, मेरे सारे सीनियर्स की कि उन्होंने मेरे को और 3 और भारत की बेटियों को यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी कि आज हम पहली बार विश्व में उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल के ऊपर से दुनिया की सबसे लंबी उड़ानों में से हमने उड़ान भरी और इतिहास का एक नया पन्ना पलटा। बहुत बहुत नमस्कार आदित्य जी। जोया जी, इनिशियली ऑब्वियसली काफी आपको मुश्किलें सहनी पड़ी होंगी, उनके बारे में जरा बताइए। आदित्य जी, जिंदगी में अगर मुश्किलें ना हो तो फिर थोड़ा मजा कम आता है ना। क्या बात है, बहुत लंबे टाइम से एक सपना था नॉर्थ पोल के ऊपर से उड़ान भरना और ये जब सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु की उड़ान हमने सोची तो ये वाला जो रूट था बहुत ही एक एफिशिएंट रूट था और हमने ये सपना साकार करके दिखाया। सबका परिश्रम था इसमें इन्वॉल्व, तो बहुत ही अच्छा लगा और हमारी एयर इंडिया के मैनेजमेंट ने देश की 4 बेटियों को ये अपॉर्चुनिटी दी और हमने ये सपना साकार करके इतिहास का एक नया पन्ना पलटा। इस फ्लाइट की कंप्लीशन पे हमने भारत, एयर इंडिया और नारी एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट का सबका नाम एकदम ऊंचा कर दिया। तो बहुत ही खुशी होती है और गर्व होता है मुझे सारी भारत की बेटियों के लिए और हम सबको आप पर गर्व होता है। एक बार फिर से स्टैंडिंग ओवेशन। शहीद हुए हैं उनकी जरा याद।
Subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.